नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोग्राफी इन हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके और एसएल ग्रुप कंपनियों के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा की। भारत के मीडिया टाइकून के नाम से मशहूर डॉक्टर सुभाष चंद्रा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो 2016 के राज्यसभा चुनाव में हरियाणा से संसद के ऊपरी सदन के लिए चुने गए हैं। चलिए जानते हैं उनके सफल जीवन के बारे में, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। सुभाष चंद्रा का जन्म 30 नवंबर 1950 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। उनको बचपन से ही पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी और 10th क्लास के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। बिजनेस फैमिली में पैदा होने के कारण उन्हें शुरू से अपना बिजनेस करने की इच्छा थी। इसी तीव्र इच्छा के कारण उन्होंने केवल 19 वर्ष की आयु में वेजिटेबल ऑयल बनाने की यूनिट लगाई और अपना बिजनेस शुरू किया। इसके बाद वो चावल का व्यापार करने लगे और फिर अनाज एक्सपोर्ट के बिजनेस में लग गए। वर्ष 1981 में एक पैकेजिंग एग्जीबिशन के दौरान सुभाष चंद्रा को पैकेजिंग कंपनी बनाने का ख्याल आया और फिर उन्होंने पैकेजिंग कंपनी शुरू की और धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा। इसके बाद वे अपने जीवन के सबसे सफल ब्रॉडकास्टिंग के बिजनेस में आ गए। 2 अक्टूबर 1992 में उन्होंने जी टीवी के नाम से भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट चैनल शुरू किया। इसके बाद जी ग्रुप ने एक के बाद एक कई चैनल शुरू किए। जी टीवी के बाद उन्होंने वर्ष 1995 में सिटी केबल शुरू किया और फिर नए चैनल जी न्यूज और जी सिनेमा की शुरुआत 1995 में न्यूज कॉर्प के साथ की। वर्ष 2000 में जी टीवी केबल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन देने वाली पहली कंपनी बनी और फिर इसके बाद जी टीवी 2003 में सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट टू होम सेवा देने वाली पहली कंपनी बनी। कि टीवी चैनल की संख्या स्थानीय भाषा हिंदी में 70 है, जो 169 देशों में फैले 959 मिलियन लोगों तक पहुंचते हैं। नवंबर 2000 में उन्होंने डेली न्यूज एंड एनालिसिस की प्रबंधन जिम्मेदारी संभाली, जो भारत में शीर्ष 8 अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में से एक है और देश में सबसे तेजी से बढ़ रहे अंग्रेजी समाचार पत्रों में से एक है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा को मानद उपाधियां प्राप्त हुई हैं। सुभाष चंद्रा को पूर्वी लंदन विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मानद डायरेक्टर से सम्मानित किया गया था। उन्हें रॉयल डॉक बिजनेस स्कूल के स्नातकों के समारोह में पूर्वी लंदन विश्वविद्यालय के कुलपति लॉर्ड गुलम नून से डॉक्टरेट प्राप्त हुआ। सुभाष चंद्रा जी न्यूज पे एक शो चलाते हैं जिसका नाम है डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो, जहां चंद्रा भारत भर से युवाओं के साथ संलग्न होकर विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं। मुख्य अवधारणा युवाओं को प्रेरित करना, विचारों को प्रेरित करना और साझा करना है और युवा उद्यमियों और व्यापार के लिए महत्वाकांक्षी दिमाग में मदद करना है। आज सुभाष चंद्रा देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है, लेकिन जिस समाज से उन्हें इतना कुछ मिला उसके लिए वे बहुत कुछ कार्य करते रहते हैं। वर्ष 1996 में चंद्रा ने मल्टीमीडिया तालीम की स्थापना की। इसका उद्देश्य ओपन लर्निंग के माध्यम से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना है। चंद्रा अंतरराष्ट्रीय फाउंडेशन सिविलाइज्ड हार्मोनी के संस्थापक चेयरमैन भी हैं। सुभाष चंद्रा का कहना है कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तभी एक सच्ची शुरुआत होती है जीतने की, और सुभाष चंद्रा ने अपनी मेहनत से वो मुकाम पाया जिसे वो चाहते थे। सो फ्रेंड्स, ये थी सुभाष चंद्रा की जीवनी। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखें और मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।